आप सबको गोपाल राजू का नमन। सौभाग्य से एक संत प्रवृत्ति व्यक्ति मिले मुझे, डॉक्टर अजीत मौलिक। खुद अपना इंट्रोडक्शन देंगे। सारा जीवन इन्होंने शोध किया है होम्योपैथी के ऊपर, और इसके अलावा गृह विद्यक चीजें जो हैं अकल्ट साइंसेस से रिलेटेड, अध्यात्म से जुड़े रहे, रामकृष्ण मिशन के रामचंद्र मिशन के ये बहुत पुराने डिसाइपल रहे, और दिल दिमाग मस्तिष्क से जुड़े हुए, जो इनका मूल उद्देश्य सारा शोध इनका विषय, इन्होंने होम्योपैथी पे काम किया, बड़ी अच्छी आयुर्वेद पे, कोई भी आयुर्वेद, और बहुत अच्छे। हमें हमारा जो उद्देश्य है, भी हमारा डॉक्टर मौलिक, आपका जो हमारा उद्देश्य है, मैं उद्देश्य ये है हमारा पर्पस ली कीमियागरी को लेकर। मुझे पता है आपने बहुत काम किया था इसमें, और आपने इसलिए छोड़ दिया था कि आपके साथ एक्सीडेंट हो गया था, ब्लास्ट हो गया था। सिर्फ हमें एक आम लोगों को ये पहुंचाना है कीमियागरी होती थी या नहीं होती थी, क्योंकि मेरी मान्यता है, देखिए कि भारत में जितना होता है सोना मिला है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी, क्योंकि खदानों से इतना सोना नहीं मिल सकता, निश्चित है। और उस जमाने में तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होती ही नहीं थी, अगर सोना था भी था तो निकालने की उनके पास टेक्निक नहीं थी। इस विषय में क्या कहेंगे आपके दो शब्द, आपके जबान से ये चीज़ें जाएंगी लोगों के सामने? भारत में ही मूलतः था, भारत के ऋषियों का ही ये अनुसंधान है, और भारत में कभी भी सोने का खान नहीं था, ना आज भी है। तो भारत में जो पुरोहित हुआ करते थे, एक पूर के अधिकारी, उनको ये कीमियागरी आता था। कीमियागरी का मतलब यह है कि तांबा और चांदी को सोने में परिवर्तित करना रसायन क्रिया के द्वारा, केमिकल प्रोसेस से, जिसमें विशेषकर पारे का प्रयोग किया जाता था। और लेटेस्टली दिखाया जाता है कि इसका सर्वश्रेष्ठ प्रचार जो है नागार्जुन ने किया है, और तत्कालीन नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, उन्होंने कहा सिद्ध रसे करिष्यामी निर्दयाम जगत्याम जगत। रस को पारद को, रस मतलब पारद को सिद्ध करके मैं तमाम दुनिया के गरीबी को दूर कर सकता हूं। और उस समय भारत में अकाल पड़ा, और उन्होंने सिद्ध रस निर्माण करके अकाल को दूर किया था। ये ऐतिहासिक प्रमाण है। उसके बाद गुरु गोरखनाथ ने किया है, उनके दो बहुत प्रसिद्ध कॉम्प्लेक्स हैं, आज कांच पारा मरे बैठा योगी राज कर, दूसरा है पीला फूल बटोरी पान, ये बूटी है रानो रान, इस रूटी में पारा मरे बैठा योगी राज करे। ये हिडन ट्रेजर है, हमारे जितने भी आयुर्वेद के ग्रंथ है, ये पूरा ही एक विचित्र गोपनीय भाषा में लिखा गया है। ये गुरु परंपरा के अनुसार गुरु शिष्य को प्रैक्टिकली बताएगा। तो ये चीज बताइए, जो ये चीजें कोडिंग फॉर्म में है, इसको इतने सीर्स हुए हमारे यहाँ, किसी ने इसको डिकोड करने की कोशिश नहीं करी, सरकार से कहीं किसी को कोई यहाँ किसी को कुछ मिला हो, एड मिली हो कहीं से, मेरे सपोर्ट मिली जो हो। आयुर्वेद के प्रैक्टिकल गुरु है बाबा गुप्तागिरी, उन्होंने गवर्नमेंट को कई चिट्ठियां लिखी है, वो अपने रॉ लैंग्वेज में जी। कि हम दे दो कि हम राष्ट्रपति भवन को सोने से भर देंगे, हमें चार आदमी दे दो, अच्छा, कुछ करो, अच्छा। तो वो जानते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर कोई नहीं दिया, और उन्होंने अपने ऐसा क्यों, जब मतलब हमें हमारी गरीबी दूर हो जाए, हमारा वो हो जाए, तो ऐसा क्यों ऐसा क्यों नहीं ऐसा वो इसलिए कि वो गवर्नमेंट इस पर विश्वास नहीं करते। कई मिनिस्टर आए हैं, विश्वास उनको करके दिखाया जाए। मैंने बाबा गुप्तागिरी को कहा था जी। कि आप एक बार मुझे बना दो, और मैं गवर्नमेंट के पास जाकर के डीएसटी में डेमोन्स्ट्रेशन दे दूं। उसके लिए वो तैयार नहीं। बड़े चंद्रगढ़ वैसे इसका क्या, इसका बेस क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि सांप के जो कोबरा विष से बनती है, बहुत से कहते हैं आयुर्वेद से बनती है,
बहुत से कहते हैं मेटल से बनती है, बहुत से कहते हैं पारे से बनती है, और बहुत सारे ये भी कहते हैं कि इसको बनाने की कॉस्ट इतनी ज्यादा आती थी कि उससे कम दाम में सोना मिल जाए, इसलिए इसका चलन आगे नहीं। ये केमिकल प्रोसेस से है जो नागार्जुन का अभी उल्लेख किया है। नागार्जुन ने 1 ग्राम से 1 करोड़ ग्राम सोना तैयार किया। क्या 1 ग्राम जो केमिकल वो तैयार किया उन्होंने, क्या वो गुप्त भेद, क्या वो गुप्त भेद तो नागार्जुन के आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपने पाली भाषा में एक प्लेट में ताम्र प्लेट में अभी भी लिखा हुआ है कि वो भाषा किसी के समझ में नहीं आती, वो भाषा गुप्त रखा है सबने। आपने तो इसमें सारा जीवन काम किया है इसमें आपने। नहीं, इस पे तो काम नहीं किया मैंने, विशेष पर काम किया है कि पारे को अग्नि स्थाई ना सॉलिड करना तो बहुत आसान है, बहुत प्रोसेस है, वो किया जा सकता है, कर सकता हूं मैं। इसमें सबसे बड़ी जो भेद है पारे को अग्नि स्थाई करना और विभूक्षित करना। अग्निस्थाई विभूक्षित पारद जो पारा सोने को खा जाए और उसका वजन ना बढ़े। अच्छा, जिसमें कि जो थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल हो जाता है, दिस इज द अल्टीमेट वर्ल्ड, ये हो जाए तो ये सब संभव है। और एक खुराक से इनक्यूरेबल डिजीज कैंसर लिकोमिया अगर ये जो है तो, ये अगर तैयार हो जाए तो एक डोज से गिव द परमानेंट इफेक्ट टू द सिस्टम, एक डोज से ही वो बीमारी दूर हो जाए। कोई विश्व में कहीं किसी ने इस पे नहीं पहल करी, इतनी बड़ी दुनिया है हर आदमी खोज नहीं वो, क्योंकि हमारे भारतीय में अभी भी लोग हैं जो सोना ना बनाना जानते हैं। धर्मशास्त्रों में मिलता है नहीं, वो सब हिडन ट्रेजर के रूप में लिखा हुआ नहीं, लिखा है सब में, आयुर्वेद में भी लिखा है। जैसे जैसे एक फॉर्मूला है जो मेरे ख्याल से रस राज सुंदर नामक पुस्तक में लिखा है कि सिद्ध गंधके न हतम ताम्रम दरदे न समयुक्तम। अच्छा, तो शल्मम भवति कंचनम जी, इससे जो है इस शीशे के भस्म से तांबा सोने में परिवर्तित हो जाता है। बट इट इज अगेन ए हिडन ट्रेजर, ये श्लोक खुला हुआ नहीं, हमारे पूरा आयुर्वेद जो है हिडन ट्रेजर है। जैसे कहा गया है कि घी कुंवर से घोटना है, घी कुंवर मेरे पास 8 तरह का है और सबके फूल और रस गंध अलग है। अब कौन सा घी कुंवर लेना है ये नहीं बताया गया है, ये आचार्य अपने शिष्य को प्रैक्टिकली बताएंगे, यही मतलब हमारे आयुर्वेद का भेद है। इसका हम ये माने कि है मगर सब काले पर्दे में है, ये जो जानते हैं वो किसी को नहीं बताते, बताते अभी हमारे देश में सैकड़ों लोग हैं जिनको आता है लेकिन वो बताते नहीं किसी को। इसको देखे देते हैं और थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपालाजी एंड डॉक्टर मौलिक। आप लोग देखते हैं गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और लोगों में, ताकि लोग मोटिवेट हों इन चीजों से, जो हमारी हिडन चीजें हैं, जो हमारा हिडन ट्रेजर है भारत का, भारतीय परंपरा का, भारतीय वांग्मय का। बहुत सारे वांग्मय तो हमारे उजागर हुए ही नहीं, और आप सबको बताएं कि कितने नष्ट हुए हैं हमारे, कितने नष्ट हुआ है हमारा साइंस, कितना डिस्ट्रॉय किया गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग। 2 साल में सिर्फ पूरा करके दिखाएंगे। चलिए।